हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज का आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। आज का थंबनेल है, हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, हम अपने एक्शंस को मैनेज करते हैं। तो ये बात मैं किस बेसिस पर कह रही हूँ? अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि मैं अपने दिसंबर के टाइम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और मैंने आपसे कहा भी था कि इसके रिजल्ट्स मैं आपसे 31 दिसंबर को ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने क्या किया कि दिसंबर मंथ में जितने भी दिन थे, हर एक दिन जब मैं सुबह उठती थी, चाहे मैं 4 बजे उठूँ या 5 बजे उठूँ या फिर मैं 6 बजे उठूँ, हर दिन मैं अपने पूरे दिन को डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लेती थी और डिसाइड कर लेती थी कि मुझे किस टाइम स्लॉट पे क्या काम करना है, और मैं कोशिश करती थी कि मैं उन्हीं टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकूँ। तो जब मैंने अपने हर एक दिन को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया और उस पर एक्ट करना शुरू किया, तब मैंने एक बात नोटिस की कि मेरा जो चैलेंज था, दिसंबर चैलेंज, मुझे हर दिन 8 आवर्स पढ़ाई करना था। तो जब मैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं 4 बजे उठ रही हूँ सुबह या 5 बजे उठ रही हूँ या 6 बजे उठ रही हूँ, मैं जितने बजे भी सुबह उठती थी, शाम तक, दिन के एंड तक मैं मैक्सिमम 8 आवर्स की पढ़ाई कर लेती थी, अपने गोल को मैं अचीव कर पा रही थी। तो इस बेसिस पर मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि कभी भी मैंने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया, मैंने अपने एक्शंस को मैनेज किया। जैसे जब मेरे पास कम टाइम होता था तो मैं उन एक्शंस को नहीं करती थी जिससे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। जैसे मैं अनवांटेड एक्शंस को अवॉइड करती थी, जैसे घर में किसी से फ़ोन पर बात करना या फिर बाहर घूमना, इन एक्शंस को मैं अवॉइड कर रही थी। और जिन एक्शंस से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते थे, जिन एक्शंस से मुझे लग रहा था कि मैं इतने टाइम में ये काम कंप्लीट कर लूँगी तो मैं अपने गोल तक पहुँच पाऊँगी, तो मैं उन एक्शंस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, उस पर ज़्यादा एफर्ट लगा रही थी। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मेरे दिसंबर चैलेंज ने ही मुझे सिखाया कि हम कभी भी अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, हम हमेशा अपने एक्शंस को मैनेज करते हैं। देखिए, अगर कोई बहुत अमीर इंसान है, उसके पास भी 24 घंटे होते हैं और हमारे पास भी 24 घंटे हैं, तो हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? डिफरेंस हमारे एक्शंस में है। जो अमीर इंसान है वो हम जो एक्शन लेते हैं उन्हीं एक्शंस को अलग तरीके से करता होगा और हमारा तरीका अलग होगा। तो डिफरेंस हमेशा एक्शंस पैदा करता है। ये एक्शंस ही हैं जो डिसाइड करता है कि हम आगे लाइफ में कितना अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं वर्किंग लेडीज़ की बात करूं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको अपनी फैमिली से ही देती हूं। जैसे मेरी जो बड़ी दीदी हैं, वो लगभग 15 सालों से सिलाई कर रही हैं। वो अपने मैरिज के लगभग 6 महीने के बाद ही सिलाई करना स्टार्ट कर दी थी। तो जब धीरे धीरे उन्होंने सिलाई करना शुरू किया, इसी बीच उनके बच्चे भी हुए, अब उनके बच्चे बहुत बड़े भी हो गए हैं। लगभग 15 सालों से वो सिलाई कर रही हैं, और इस सिलाई करने के दौरान वो अपने फैमिली को भी बहुत अच्छे से टाइम देती हैं, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करती हैं, और उनके बच्चे भी बहुत अच्छे संस्कार वाले हैं। तो वो ऐसा कैसे कर पा रही हैं? अगर मैं अपनी सासू माँ की बात करूँ तो वो भी लगभग 20 सालों से गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, और जॉब के साथ साथ अपने फैमिली को भी बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप तो मेरी कहानी जानते ही होंगे। मैं जब ग्रेजुएशन में थी, जब मैं इंटर में थी या जब मैं बीएड कर रही थी, तब मैं 5 से 6 घंटे ट्यूशन हर दिन पढ़ाती थी, और साथ साथ में मैं अपने क्लासेस भी अटेंड करती थी। और इतना ही नहीं, क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हुई हूँ। ग्रेजुएशन में मैं मैक्सिमम टाइम में टॉपर रहती थी अपने कॉलेज में। और मेरे अकॉर्डिंग जो दूसरी लड़कियाँ थीं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता था, उनको ट्यूशन नहीं पढ़ाना होता था, लेकिन फिर भी उनके नंबर मेरे से कम आते थे। तो डिफरेंस कहाँ था? डिफरेंस यही था कि मैं अपने एक्शंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही थी, और वो अपने एक्शंस को उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते होंगे। मैं अपने एक्शंस पर ज़्यादा ध्यान देती थी कि मुझे कौन से एक्शन करने चाहिए और कौन से एक्शन नहीं करने चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूँ कि ये हमारा एक्शन ही है जो दो लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। पार्किंसंस लॉ भी यही कहता है कि हमारे पास जितना ज़्यादा टाइम होता है उतना ही ज़्यादा काम होता है। पार्किंसंस लॉ के बारे में मैंने हाल ही में एक बुक में पढ़ा था। तो आखिर इतने महान वैज्ञानिक पार्किंसंस ऐसा क्यों कहते हैं कि जिसके पास ज़्यादा टाइम होता है उसके पास ज़्यादा काम होता है, या फिर जिसके पास ज़्यादा काम होता है उसके पास ज़्यादा टाइम होता है, वो ऐसा क्यों कहते हैं? मैं ये आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा सकती हूँ। देखिए, जब हम बचपन में हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तो हम पूरे साल परेशान रहते थे कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम में टॉप करना है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आ जाती थी और हमें पता होता था कि एग्ज़ाम नेक्स्ट 15 डेज़ में होने वाले हैं,
तब हमारा सिलेबस अचानक से 15 दिनों में कंप्लीट हो जाता था। हम 15 दिन पढ़ के ही पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेते थे। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हम अपने जो अनवांटेड एक्शंस है उनको अवॉइड करते थे और अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस पढ़ाई में लगा देते थे। और जिस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम पूरे साल परेशान रहते थे, उसी सिलेबस को हम 15 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जितना कम टाइम होता है उतना कम काम होता है। अगर आप किसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम मांगते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को ज़्यादा दिनों तक टालते रहते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की फॉर्म निकलती है तो हम उसके लास्ट डेट का वेट करते हैं। हम सोचते रहते हैं कि अच्छा अभी बहुत टाइम है हम फॉर्म भर लेंगे, अच्छा अभी बहुत टाइम है हम फॉर्म भर लेंगे, और एकदम एंड में आके हम फॉर्म भरते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी आदत है किसी भी काम को टालने की। हमें लाइफ में छोटी छोटी डिसीजंस लेनी होती हैं, जैसे हमें सुबह पढ़ाई करने के लिए उठना है या फिर सोते रहना है, या फिर हमें घर के काम ख़त्म करने के बाद पढ़ाई करना है या फिर आराम करना है, या फिर रात में 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के सोना है, रिवीजन करके सोना है, या फिर ऐसे ही सो जाना है, या फिर हर दिन एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है। अगर कोई नेगेटिव बोल दे तो दिन भर नेगेटिव सोचना है या फिर कुछ पॉजिटिव भी सोचना है। हर दिन अपने अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ मोटिवेशनल बुक्स के 1-2 पेजेस पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। ये छोटे छोटे डिसीजंस हर इंसान को हर दिन अपनी लाइफ में लेनी पड़ती हैं, और यकीन मानिए यही डिसीजंस हमारी लाइफ बनाती हैं। हम जितनी बार इन डिसीजंस को लेने में फ़ेल होते हैं, सक्सेस हमसे उतनी दूर चली जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर क्षण निर्णय का क्षण होता है और हमारा हर निर्णय हमारा भाग्य बनाता है। पहले मुझे ये बात नहीं समझ आती थी, मुझे लगता था कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हर क्षण निर्णय का क्षण होता है और हमारा हर निर्णय हमारा भाग्य बना रहा है। आखिर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगता था कि निर्णय मतलब होता है कि हम ये डिसाइड करें, ये डिसीजन लें कि हमें किस फील्ड में जाना है, कौन सा करियर चूज़ करना है, किससे शादी करनी है, न्यूक्लियर फैमिली में रहना है या जॉइंट फैमिली में रहना है, या फिर हमें कौन सा घर खरीदना है, कौन सी कार खरीदनी है। मुझे लगता था कि डिसीजन यही होते हैं, इन्हीं को निर्णय कहते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये निर्णय तो बहुत कम बार हमें अपनी लाइफ में लेने होते हैं। हमें हर दिन कुछ न कुछ डिसीजन लेना है और हर क्षण लेना है। और हमारी लाइफ ये बड़े बड़े डिसीजंस नहीं बनाते हैं, हमारी लाइफ हमारी जो हर दिन के प्रॉब्लम्स हैं और उसको डील करने में हम क्या डिसीजन लेते हैं, पॉजिटिव एक्ट करते हैं या नेगेटिव एक्ट करते हैं, ये डिसीजंस हमारी लाइफ बनाती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें मेरे व्यूअर्स कहती हैं कि मैं सुबह उठ नहीं पाती पढ़ने के लिए। आप खुद सोचिए कि आपको अपनी लाइफ में एक बहुत छोटा सा डिसीजन लेना है कि आपको सुबह उठकर 2 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो अगर आप इतना छोटा सा डिसीजन आज नहीं ले पा रही हैं और तो फिर आप कैसे सोच सकती हैं कि आपको सक्सेस मिल जाएगी? एक्चुअली में सफलता जो है इन्हीं डिसीजन से डिसाइड होती है। आप कितना पॉजिटिवली एक्ट करते हैं हर दिन, अपने गोल के लिए कितने पॉजिटिव डिसीजंस लेते हैं। जैसे अभी सबका KVS का एग्ज़ाम है, फिर भी बहुत लोग लिखते हैं कि मैं सुबह नहीं उठ पाती, पढ़ाई नहीं कर पाती। तो याद रखिए कि अगर आज आप अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे आपका एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा। अगर आपको किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिव डिसीजंस लेने की आदत बनानी पड़ेगी, वो कैपेबिलिटी अपने अंदर आपको लानी होगी। जैसे बहुत लोग सुबह उठकर नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, तो आपको अपने अंदर वो विल पावर लानी होगी, आपको खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि आप एक छोटा सा डिसीजन ले सके अपनी लाइफ में कि मैं हर दिन सुबह उठूंगी और 2 घंटे की पढ़ाई करूंगी। इसके अलावा और भी नेगेटिव बातों को इग्नोर करने का डिसीजन आप ले सकते हैं, और जैसे जैसे आप इसे छोटे छोटे डिसीजंस को लेते जाएंगे, आपकी लाइफ जो है आपके कंट्रोल में आती जाएगी और सक्सेस आपकी तरफ आती जाएगी। हम सबको पता होता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, सबको पता होता है कि एक्सरसाइज करने से हम फिट रहेंगे, सबको पता होता है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम कोई ना कोई जॉब ज़रूर ले लेंगे। लेकिन हमारी आदत होती है प्रोकेस्टिनेशन की, हम प्रोकेस्टिनेट करते रहते हैं और कभी भी लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप नए साल में अपनी इस प्रोकेस्टिनेशन की आदत को छोड़ना चाहते हैं
तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेक अ वीडियो ऑन प्रोकास्टिनेशन। मैं आपको ऐसे रियलिस्टिक अप्रोच बताऊंगी जिसको फॉलो करने के बाद आप अपने प्रोकास्टिनेशन की आदत को आसानी से बदल पाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आप सबसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले ही मैंने फ्लिपकार्ट से अपने लिए ये बुक ऑर्डर की थी। मैं खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए बुक्स पढ़ती रहती हूँ, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि मैं इस बुक का पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। बस इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। इस बुक को अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा है ये बुक बहुत अच्छी है। इस बुक के फर्स्ट पेज का जो फर्स्ट सेंटेंस है, उसी सेंटेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इसे शेयर किया जाए। इसका फर्स्ट सेंटेंस है कि जो कठिनतम है उसे साध लो, बाकी सब कुछ अपने आप सध जाएगा। इसका डिटेल मीनिंग मैं आपसे कभी और शेयर करूँगी, लेकिन ये सेंटेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।